हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है डैट इज़ दी ऑलवेज बेटर कंट्रोल, जिसको हम एबीसी एनालिसिस भी कह सकते हैं, जो कि सिलेक्टिव कंट्रोल का एक टेक्निक है। अर्लियर जो है मैं काफ़ी सारी जो इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक्स हैं ब्रीफली जो है डिस्कस कर चुकी हूँ, जो कि आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं। और ये जो टॉपिक है हमारा कई जगह पे, बहुत ही जगह पे इम्पॉर्टेंट है, जैसे ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर जो सेकंड यूनिट है वहाँ पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल के अंदर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पर ये टॉपिक जो है डैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और आज हम देखते हैं कि ऑलवेज बेटर कंट्रोल, जिसको हम एबीसी एनालिसिस कहते हैं, इसका अर्थ क्या होता है। देखो, सिलेक्टिव कंट्रोल, सिलेक्टिव कंट्रोल का मतलब होता है कि जैसे हमने कुछ चीज़ों के, जैसे घर के अंदर भी क्या होता है कि कुछ चीज़ें हमारी बहुत कीमती होती हैं लेकिन उनका नंबर कम होता है, तो उसको हम बहुत देखभाल करते हैं। जैसे ज्वेलरी है उसको लॉकर में रखते हैं, और घर के अंदर क्या होता है कि जैसे कार है तो वो एक या दो ही होती हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं, तो उसकी हम अपकीप ज़्यादा रखते हैं। तो उसी तरह क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी क्या है कि जो सिलेक्टिव कंट्रोल है, ये सिलेक्टिव कंट्रोल की एक टेक्निक है कि कुछ आइटम्स के ऊपर हमें ज़्यादा कंट्रोल करना है, कुछ आइटम्स के ऊपर मॉडरेट, और कुछ आइटम्स के अंदर क्या होता है कि ज़्यादा कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पे जो मटेरियल है उसको तीन कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड किया जाता है। और यहाँ पे नेचुरली हम देखते हैं कि जैसे जिन आइटम्स के अंदर पैसा ज़्यादा लगा होता है उनको हम ज़्यादा जो है उनके ऊपर इन्वेंट्री कंट्रोल अप्लाई करते हैं, उनको ज़्यादा हम देखते हैं कि वो सही से रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ, उसकी वेस्टेज तो नहीं हो रही। तो यहाँ पे हम जो मटेरियल आइटम्स हैं हमारे स्टोर के अंदर, वहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे जो है क्लासिफाई करते हैं, और ये जो क्लासिफिकेशन होती है उनकी इम्पॉर्टेंस के बेसिस पे, वैल्यू के बेसिस पे, और कितनी जल्दी जो है हमें वो आइटम मंगवानी पड़ती है। और यहाँ पे देखो, जो मटेरियल होता है उसको हम तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर देते हैं, ए, बी एंड सी, ऑलवेज बेटर कंट्रोल। और यहाँ पे क्या होता है कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर है, ए के अंदर वो आइटम्स आ जाती हैं जिनके अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, बी के अंदर जो है उससे कम, और सी के अंदर सबसे कम। और इसको हम कंट्रोल बाय इम्पॉर्टेंस एंड एक्सेप्शन भी कह देते हैं, सी आई ई भी कह सकते हैं, कंट्रोल बाय इम्पॉर्टेंस एंड एक्सेप्शन, क्योंकि ये सिलेक्टिव कंट्रोल है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्लासिफाई कर दिया कि ये ए आइटम्स की चीज़ें हैं, ये बी आइटम की चीज़ें हैं, ये सी आइटम की चीज़ें हैं। ए कैटेगरी के अंदर देखो, जो आइटम्स आती हैं नंबर बहुत कम होता है लेकिन उनके अंदर क्या होता है कि पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट होता है। जैसे मान लो स्टोर के अंदर हमारे पास 1000 चीज़ें हैं, तो 1000 का 10% कितना हो गया, 100 चीज़ें जो हैं ए कैटेगरी के अंदर आती हैं, जिसके अंदर क्या है कि टोटल इन्वेस्टमेंट जो हमने 1000 चीज़ों के ऊपर पैसा लगाया है उसके अंदर 70%, जैसे मान लो 7 लाख हमारा लगा हुआ है, तो 7 लाख के अंदर क्या है कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है हमारी ए कैटेगरी के अंदर है। तो वहाँ पे नंबर ऑफ आइटम जो है टोटल नंबर का 10% है लेकिन जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसका 70% जो है ए कैटेगरी में लगा हुआ है। और उसी तरह बी कैटेगरी के अंदर क्या होता है कि ए कैटेगरी के मुकाबले में ये लेस इंपॉर्टेंट होती हैं, जनरली ये 20% ऑफ द टोटल आइटम्स होती हैं और इन्वेस्टमेंट भी इसके अंदर 20% होती है। सी कैटेगरी के अंदर क्या होता है कि नंबर बहुत ज़्यादा होता है लेकिन जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है वो 10% होती है। तो इस तरह से हम मटेरियल को जो है तीन हिस्सों के अंदर क्लासिफाई कर लेते हैं। और उसी तरह क्या है कि देखो, जो इंडियन प्रोडक्टिविटी टीम है उन्होंने स्टोर एंड कंट्रोल के अंदर ये एबीसी का ये कैटेगरी जो थी उन्होंने क्लास बनाई थी कि जैसे ए के अंदर क्या है कि आइटम्स तो 8% है लेकिन जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 75% है, और बी के अंदर क्या है कि 25% ऑफ टोटल आइटम और 20% ऑफ कॉस्ट, और उसी तरह सी जो है 67% है और 5 जो है उसका कॉस्ट। जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि 100 आइटम्स है स्टोर के अंदर, तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास ए कैटेगरी है वो 8 है, 8 आइटम जो है ए कैटेगरी के अंदर आती हैं, और मान लो यहाँ पे हमने 1 लाख लगाया है तो 75,000 जो है हमारा 8 आइटम्स के ऊपर जो है 8 के ऊपर जो है लगा है। और उसी तरह बी के अंदर क्या है कि 25 आइटम्स हैं लेकिन वहाँ पे हमारा जो है
20,000 लगा है, और उसी तरह जो 67% है उसका नंबर 67 है लेकिन उस पर हमारा जो है टोटली जो है 5,000 ही लगा है। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया है कि इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे हमने ABC कैटेगरी के अंदर जो है अपना मटेरियल जो है क्लासिफाई कर लिए है। अब हम देखते हैं कि जो ABC कंट्रोल है इसको हम किस तरह से एक्सरसाइज कर सकते हैं। देखो जो एक आइटम्स हैं उसके अंदर हमें बहुत ही स्ट्रिक्टली जो है रिग्रेस कंट्रोल जो है अडॉप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि मटेरियल के अंदर हमारा पैसा बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड है, तो इसके अंदर हम मटेरियल कंट्रोल जो है परचेजिंग करते हैं, तो भी किस तरह की परचेजिंग करनी है, सेंट्रलाइज्ड है डिसेंट्रलाइज्ड है, स्टोरिंग कैसे करनी है और इशू किस तरह से करना है, इन तीनों चीज़ों के ऊपर क्या होता है कि स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता है, क्योंकि इसके अंदर पैसा भी ज़्यादा होता है तो इसको ज़्यादा मतलब रिग्रेस कंट्रोल एक्सरसाइज किया जाता है। और उसी तरह बी के अंदर क्या होता है कि मॉडरेट कंट्रोल होता है, और सी के अंदर क्या होता है कि पैसा कम इन्वेस्टेड होता है, और इनके अंदर क्या होता है कि बहुत कम कंट्रोल होता है, और ये होता है कि साल के अंदर एक बार या दो बार इसको परचेज कर लो, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एलैबोरेट कंट्रोल नहीं होता। अब हम ABC को थोड़ा सा और डेप्थ में समझेंगे ऑलवेज बेटर कंट्रोल को। देखो जो ए आइटम्स हैं उनके ऊपर क्या है कि बहुत ज़्यादा मटेरियल के ऊपर भी जब हम परचेज़ करते हैं जब उसको स्टोर करते हैं तो उसके अंदर भी क्या होता है कि हमारा जो कंट्रोल है बहुत रिग्रेस होता है स्ट्रिक्ट होता है, लेकिन जो बी कैटेगरी है उसके अंदर हमारा मॉडरेट कंट्रोल होता है, और सी के अंदर क्या होता है कि हम बहुत लूज़ कंट्रोल रखते हैं, ज़्यादा कंट्रोल करने की वहाँ पे आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ए आइटम जो होती हैं स्टॉक के अंदर ज़्यादा नहीं होती तो इनको हमें बार बार जो है ऑर्डर करना पड़ता है, और बी को क्या होता है कि 3 मंथ्स के अंदर एक बार ऑर्डर करना पड़ता है, और सी आइटम को या तो साल के अंदर 2 बार या 1 बार डिपेंडिंग अपॉन उनका यूजेस क्या है। और उसी तरह देखो ए आइटम के अंदर क्या होता है क्योंकि यहाँ पे इसके ऑर्डर बार बार दिए जाते हैं, इसको स्टॉक में बहुत ज़्यादा नहीं रखा जाता क्योंकि पैसा इसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड होता है, तो यहाँ पे लीड टाइम को रिड्यूस करने की कोशिश की जाती है। और बी आइटम्स के अंदर मॉडरेट लीड टाइम का अर्थ होता है कि जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं और जब हमारे पास ऑर्डर आता है उसके अंदर जो गैप होता है उसको हम लीड टाइम कहते हैं। और इस तरह जो सी के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे हम ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करते, तो यहाँ पे जो ए आइटम्स हैं वो सीनियर पर्सन के द्वारा हैंडल की जाती है क्योंकि इसके अंदर बहुत पैसा लगा होता है, और इसका जो रिव्यू है वो भी एक मंथ के बाद या 15 दिन के बाद होना चाहिए क्योंकि पैसा बहुत इन्वेस्ट होता है। और इस तरह जो बी होती है इसके अंदर जो मिडल मैनेजमेंट है वो देखती है, और ये 3 मंथ्स के बाद इसका चेकअप होता है, रिव्यू होता है। और इस तरह जो सी आइटम्स हैं वो सुपरवाइज़र क्लरिकल स्टाफ जो होता है वो सुपरवाइज़ करता है, साल के अंदर 1 बार या 2 बार करता है क्योंकि उनके अंदर पैसा जो है ज़्यादा नहीं लगा होता है। और जो ए आइटम्स है वो कोशिश की जाती है कि सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग हो क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, सेफ्टी स्टॉक उसका लो रखा रहता है, और कोशिश की जाती है कि उसके सप्लायर ज़्यादा से ज़्यादा हों। बी आइटम जो है सेंट्रलाइज्ड भी हो सकती है डिसेंट्रलाइज्ड भी हो सकती है, यहाँ पर भी लो सेफ्टी स्टॉक होता है। जो सी आइटम होती है देखो इसका मैक्सिमम मिनिमम भी नहीं रखा रहता, ये डिसेंट्रलाइज परचेज होती है, और यहाँ पे क्या होता है कि हर एक आइटम जो है उसके 3 या 4 सोर्सेस होते हैं, और यहाँ पे सेफ्टी स्टॉक जो है ज़्यादा रखा जाता है। अब हम देखते हैं कि इसके बेनिफिट क्या हैं। देखो जब हम ABC के अंदर क्या है कि चीज़ों को हम क्लासिफाई कर लेते हैं कि ये हमारी ए कैटेगरी की चीज़ें हैं, ये बी कैटेगरी की चीज़ें हैं, ये सी की है, तो नेचुरली ए के अंदर हमें ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, बी के अंदर मॉडरेट, और सी के अंदर क्या है कि कोई एलैबोरेट कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं होती, तो हम बड़ी अच्छी आसानी के तरह से क्या है कि इन्वेंट्री कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकते हैं। और उसी तरह क्या होता है कि ए के अंदर क्या होता है कि नेचुरली वहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, तो ए को हम ज़्यादा स्टॉक में नहीं रखते ताकि उसके अंदर नेचुरली जब हम ABC कैटेगरी के अंदर करते हैं स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखते हैं तो हमारी इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा ब्लॉक नहीं होती, और इवन जो महंगी चीज़ें होती हैं जो कॉस्टली चीज़ें होती हैं उनको हम फ्रीक्वेंटली ऑर्डर प्लेस करते हैं तो स्टोरेज के अंदर भी उनकी कॉस्ट जो है कैरिंग कॉस्ट भी हमारी कम होती है। और उसी तरह क्या होता है कि मैनेजमेंट का टाइम जो है वो भी क्या होता है कि सेव होता है क्योंकि यहाँ पे हम इम्पोर्टेंस वाइज जो है कंट्रोल जो है अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं।